खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। तापमान ज्यादा बढ़ा हुआ है, ज्यादा तापमान बढ़ा हुआ। किस तरह का तापमान चल रहा है? अब ये तो हर वर्ष से ज्यादा इस समय, इस वर्ष बहुत ज्यादा। इससे जो किस तरह से जनता प्रभावित हो रही है, क्या लगता अब है? जनता इस तापमान में परेशान है। अगर वर्षा वर्षा हो जाए तो हो सकता है कि कुछ कंट्रोल हो, वर्षा तो हो नहीं रही है तो परेशानी बहुत है। उतना साधन कुछ उपलब्ध नहीं है, देहात में तो और लोग परेशान हैं। ज़्यादा तापमान की वजह से लगती है, हाथ पैर में जलन हो रही है और थोड़ा मेडिसिन लेते हैं, बुखार उतर जाता है, फिर उसके बाद फिर दोबारा फिर। कितने दिन से है ये? 4 दिन हो गए, भर्ती तो मैं आज ही हुआ हूँ, पहले मेडिसिन ले थी। ये कौन है आप? ये भाई की लड़की है हमारी। क्या हुआ है? बुखार चलते। अरे घर में देख रहे हो कि यहाँ आदमी की हालत ख़राब है, वैसे भी मुंह सूखता है, बुखार, सिर दर्द, पेट में दर्द, सभी तो। अचानक हम गए थे शादी में, शादी से लौट के आ रहे थे, उसको अचानक रास्ते पे उल्टी पलटी हो गई, कालरा हो गया इसको, फिर यहाँ लेके आया हॉस्पिटल में, तो दवा अब पेट जो खाना पीना नहीं चलता है, चक्कर आते हैं, उल्टी दस्त होते हैं। यहाँ कितनी बार आई हैं अभी? 2-3-4 बार आए हैं। 3-4 बार आराम नहीं मिल रहा? ऐसे ही दिखवा लिए, भर्ती नहीं किए। अच्छा, तो आराम नहीं मिल रहा? चक्कर टूटा ऐसे कब से हो रहा है? कब से परेशान है अभी इस बीमारी? 6-7 दिन से। कई खिलाने आए आप? दवा खिलाने बुखार। कौन की दवाई? बहू कहाँ पर आ रहा? दर्द पेट में, दर्द कै बजे से हो रहा जी? सब ठीक है, छोटी मामा में कई नस में खराबी है। अभी लगभग ओपीडी गर्मियों में पिछले 10-12 दिन से ज़्यादा बढ़ गई है, जो पहले लगभग पर डे पूरे हॉस्पिटल की ओपीडी जो 700 से 800 रहती थी, इस टाइम पर 1300 से 1400 चल रही है, मतलब लगभग डबल हो चुकी है। इस समय अभी वर्तमान में लगभग 10 उल्टी के मरीज और जो हीट स्ट्रोक के मरीज हैं वो लगभग 20 से 25% पहले की तुलना में बढ़ चुके हैं। ऐसे कितने मरीज हैं, कितने प्रकार के मरीज आते हैं? जनरली अपने यहाँ पे जो अभी मरीज आ रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा लूज मोशन, DBD के मरीज, API के मरीज आ रहे हैं, इसके अलावा हीट स्ट्रोक के तो कॉमन, चूँकि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो जनरली आ ही रहे हैं। इसके अलावा रूटीन जो मरीज आते रहते हैं, कार्डियक मरीज और ये सब कंटिन्यू जो अपने यहाँ पे टाइफाइड वगैरह के सब आते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर के बच्चे आ रहे हैं, जो नवजात शिशु हैं, पैदा होते ही उनका टेम्परेचर एकदम बढ़ जा रहा है और इसके बाद खान पान में परिवर्तन होते ही दस्त वगैरह शुरू हो रहे हैं। ये समय टेम्परेचर इस समय 48-49 डिग्री चल रहा है, तो ये इन्वायरमेंट में परिवर्तन हो रहा है तो उससे तो होगा ही। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है, इन्वायरमेंट हो रहा है 47, 48, 49, तो परिवर्तन तो जाहिर सी बात है कि होगा ही। अब हम यहाँ पे लगभग 300 पर डे देखते हैं तो 50% तो इसी टाइप के मरीज रहते हैं। इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा है और जैसा कि पेपर में प्रतिदिन आता है कि 48.5-48 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और रात में भी हमें लगता है कि 40-45 डिग्री टेम्परेचर रहता है। अभी एक दिन हम बाहर निकले थे तो बाहर भी लू चल रही थी, तो इसकी वजह से इस समय गर्मियों की वजह से बीमारी बढ़ गई हैं। मेन मोस्टली जो मरीज आ रहे हैं डायरिया के आ रहे हैं और कुछ जो लू लगते हैं उसके भी आते हैं, बुखार के आ रहे हैं और बीच में भी पानी बरस गया था उसकी वजह से वायरल फीवर के मरीज काफ़ी तादाद में आ रहे हैं। अब हमारे यहाँ ट्रामा सेंटर में करीब 100 से 120 मरीज पर डे यहाँ भर्ती होता है हमारे यहाँ, जबकि हमारा अस्पताल 103 बेड का है, फिर भी हम लोग किसी तरह से एडजस्ट करके जो है सबका इलाज करते हैं। इसके लिए हमने अपने यहाँ ORS कॉर्नर बना रखे हैं और सभी आशाओं को जागृत कर दिया है कि जाके क्षेत्र में देखें, अगर इस तरीके के कोई मरीज आता है तो उसके सर पे गीला कपड़ा रखें, उसको ORS के पैकेट दें और अगर ज़्यादा गंभीर है तो उसको तुरंत हमारे पास भेजें। इससे कैसे बचा जा सकता है? इसमें बचाव के लिए तो सबसे यही हम कहना चाहते हैं
कि घर से जब निकलें तो काटन के कपड़े पहन के निकलें, और अगर टोपी हो तो टोपी लगा के निकलें, या काटन का टॉवल ले लें उसको कान में बांध कर निकलें, और जब भी घर से निकलें तो खाना खा करके निकलें, खाली पेट ना निकलें, और बाहर का तेली ज़्यादा पदार्थ ना लें, और कटे फल ये ना लें, जो भी खाएं खाना खाएं साफ और स्वच्छ खाएं। मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है दिन में, दूसरी चीज़ हो सकता है तो ओ आर एस की टैबलेट घर पर रखें, ज़्यादा नहीं रहने से थोड़ा बहुत दस्त उल्टी का कुछ होता है तो ओ आर एस पीना चाहिए घर पर, है ना, इससे पानी की कमी नहीं होती है, सोडियम पोटेशियम की कमी नहीं होती है। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल, हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बने।